देखो यही उंगली न छुए ऐसे पकड़े और यहाँ ना हाथ लगाए ऐसे आप दिखाओ ताकि ये मई कुआ में हम आई जब देखा देखो सब आ रहा है मुझे आ रहा आ रहा दिखाइए और थोड़ा पीछे हो जाइए इसमें सब कुछ जितने लंबे रहो उतने बढ़िया आज तारीख 30 है आज 30 30 जुलाई 2019 हमारे भतीजे अनिल मिश्रा उर्फ राम जी जो अपना आपको नहीं बोलना है वो विद्यालय जो यहाँ बनवाए हैं तो यहाँ आपको नहीं बोलना है हम कैमरे के आगे बोल रहे हैं आपको हाँ हूँ नहीं बोलना है विद्यालय जो यहाँ बनवाए हैं तो यहाँ पर अब बरसात के महीने में इच्छा तो होती है अब हालांकि कभी किसी जमाने में यहाँ पर हम 30-40 साल तक रहे उसके बाद में फिर जाना हुआ तो खानदान के लोगों ने बड़ा तहस नहस किया इसलिए मन हमारा जो है वो उचट गया लेकिन चूंकि पेड़ पौधे का मामला था हमने कहा चलो माता जी के नाम से स्कूल है विद्यालय है चलो पेड़ तो लगा ही दिया जाए और कुछ इनको सपोर्ट किया जाए तो आज आना हुआ आज करीब करीब 40 साल के बाद हम अरे बीच में आए दो घंटे के लिए आए चले गए साल में एक बार आते हैं रहे शिवरात्रि में मंदिर तक अब इच्छा नहीं हुआ कि गांव में जाए किससे मिले क्या मिले ठीक तो हमारा मकसद था कि विद्यालय में हम तमाम पेड़ लगाएं उठाओ बजरंगी ये डाल उठा के दिखाओ उनको तो अपनी गीतांजलि गार्डन से जो रायबरेली में हमने तैयार किया है ये अंजीर का डाल है इस डाल को इतना इतना हम गड़वा देंगे ये पकड़ लेगा और इसका फल सूखा हुआ 1000 रुपये किलो बिकता है 1000 रुपये किलो का फल है ये कलमी है और इसका एक जंगली आता है तो जंगली नहीं लगाना है हमको कलमी वाला खूब बड़े बड़े फल आएंगे तो यहाँ पर आज उसी को लगवा रहे हैं अभी अभी सब अभी लगवाएंगे तमाम फूल के पौधे लाए हैं सब वहाँ लगवा देंगे और एक फूल ऐसा लाए हैं कि शायद गांव में जमार में उस फूल को आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा और आपको किशोर जी याद है कि जो हमारे ये बना रहे हैं हम ये स्कूल के प्रबंधक हैं राज किशोर नाम है ना हाँ तो हाँ बोलिए ना आप हाँ 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 जब हाँ पूछ रहे हैं तो हाँ बोलिए तो ये बताइए आपको बचपन का याद होगा कि जो अपने दरवाजे हमने पौधे लगाए थे हाँ अगल बगल के गांव के लोग उसे देखने आते थे देखने आते थे बिल्कुल सही कह रहे हो भैया देखा हाँ शहतूत का पेड़ आपने लगाया था हाँ और वो इतना ज्यादा मतलब जो है डेवलप फल देता था अंजीर जिसका था, कोई जोड़ नहीं था जोड़ नहीं था हाँ, अंजीर था शहतूत था हाँ, तो अगल बगल के गांव के लोग देखने आते थे अब वही श्याम साधु उस समय श्याम बाबू थे हम, है ना हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो उस समय क्या थे श्याम बाबू थे अब श्याम साधु अब श्याम साधु लेकिन आज भी एक अजूबा लेके आए हैं कि गांव नहीं जमार में उस फूल को लोगों ने नहीं देखा होगा वो साल में एक ही बार फूल देता है नवंबर तक जी बहुत ही सुंदर फूल होता है तो कम से कम पेड़ पौधों के नाते आना हुआ कुछ जमीनें हमारी यहाँ थी तो हमने भतीजे साहब से कहा हमारी जमीन लावारिस पड़ी है अरे उसकी भैया देख रेख करवाओ जो आमदनी हो कुछ तुम ले लो बाकी हमको दो तो हम क्योंकि बांदर भोज में लगा देंगे और बांदर भोज ही क्यों गाय बछड़ा गैया कीड़े पड़े हैं उनके इलाज में हम लगवाएंगे उसका हमको पैसा नहीं लेना एक दाना नहीं लेना अरे तो आप तो खैर राम जी को बात समझ में आई हमने कहा चलो भाई इसीलिए आज आए हैं कि अपने जमीन काफी दिनों से पड़ा हुआ है तो उसको कुछ उठा उठा दें और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा तो हमारे स्कूल के प्रबंधक जी हैं एक गवाही लाइए हमको मोबाइल हमारे ये गवाही में भी हो गई यही है राम किशोर की राज किशोर नाम किशोर कुमार मिश्रा किशोर कुमार ठीक है इतना याद है इनको तो देखिए हमने ऐसे ऐसे उस जमाने में हमने कहा 40 साल तो हो ही गया लगभग यहाँ रहा करते थे तो 40 साल लगभग हुआ 35-40 साल जब रहा करते थे जी जी। अब बताओ कितने पौधे यहाँ दूसरों के जब भीम के जो बिजली रही उसमें भी श्याम साधु नाम का आपने सुना होगा कि पेड़ भैया श्याम साधु वाला आम है ना वो लोग नहीं श्याम साधु वाला आम और था दूसरे का बाग
तो आपको याद होगा कि हम दूसरों के बाग पेड़ खरीद के भैया लगाओ, हमारी ओर से लगा दो, यानी पर्यावरण के प्रति बचपन से आपने हमको देखा, शुरू से था आपका, शुरू से था। तो ये इस वीडियो को देखने के बाद अपने मुंह पर जो टीका टिप्पणी करते हो ना, एक थप्पड़ जरूर लगा लेना कि एक आदमी ने इतिहास रचा है पर्यावरण पर और पशु सेवा पर, पूरी जिंदगी लगा दिया। इतनी जमीनें हमारी यहाँ पड़ी थी, कोई जानवर चल रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तभी तो देखा भैया लावारिस चीज रखना भी ठीक नहीं है आजकल, तो इसलिए आज हमको आना हुआ और आकर के उन जमीनों के जो जहाँ है उनको उठा देना है। कुछ आना जाना लगा रहेगा तो काम होता रहेगा और यही ज्यादा अच्छी चीज है। कम से कम शुरू से हमारे यही जो किशोर जी लगे हुए हैं अपने खानदान के हैं, तो इन्हीं के बदौलत आज सब मामला टिका है, इसमें कितने आए कितने गए। विशेष आपसे निवेदन है, गुजारिश है, हाँ, हाँ, कि आप बराबर आते जा रहे हैं, आपका गाइडेंस ही हम लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल आएंगे। अब देखिए यहाँ जो कमियां थी पेड़ के बारे में वो हमने तुरंत बताया, क्योंकि अब इसकी तो पूरी जिंदगी हमारी लग गई ना इसमें, तो अनुभव है। अब फूल वाला पेड़ वहां लगाएंगे, मतलब धीरे 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 करते रहना है। और इसमें यही चाहेंगे कि एक परमानेंट ऐसा आदमी हो जो यहाँ लगा रहे, और भाई कुछ ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए, तब ये स्कूल हो जाएगा। ये आज देखा जाए तो आने अगर एक आदेश से और भी चल पड़े तो भैया ये करोड़ों की संपत्ति है। अब निगरानी शुरू से भैया हम ही इसको कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप कर रहे हैं, अभी है कि आपको सहयोग भी, कोई चीज बिगड़ती तो उसको ठीक करवा दे। हाँ, सहयोग सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, तो इसीलिए आज हमने देखा, हमने कहा इतने दिन हो गए। अच्छा, इन लोगों की भी लापरवाही थी, अब हमारी जमीन मान लीजिए हम नहीं आ रहे हैं, तीन लोगों को देख रेख करना था, हमसे पूछ लेते। एक दाना आज तक हमको नहीं मिला, एक दाना आज हो गए जब से हम गांव छोड़े हैं, तब से जब तक भीम रहे तब तक मिला, उसके बाद एक दाना नहीं मिला। तो ये थोड़ा भाई तकलीफ तो देता है भाई, यहाँ हो हमारी चीज देखो, गैर आदमी न फायदा उठाने पावे, आप खा लो हमका मंजूर है, अब हमारे घर के हैं, अब हमारे शुभचिंतकों में से हैं, तो आपके पेट में चला जाए तो भी गनीमत, अब उठे लुहाई में जाए तो भाई खलता है। हाँ, अच्छा ये नीम का पेड़ वगैरह किसकी जमीन में है? ये उस तरफ है, ओम प्रकाश का। अच्छा, बबुआ का। अच्छा अच्छा, बबुआ का खेत है, ये यूकेलिप्टस के पेड़ वही तैयार किए। अच्छा 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 अच्छा, नाटक खेत है बाबुन। हाँ, हाँ? लगवा। अच्छा अच्छा, खेती करा। अच्छा अच्छा, ये बगल में गुलाब शंकर। अच्छा, गुलाब का कौन देख रहा है, उनका लड़का? हाँ, वही लड़के है ही है, गुलाब। हाँ, गुलाब तो वही लड़का मिलिट्री वाला होगा। हाँ, 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 अभी मिलिट्री में होगा वो। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो यहाँ गुलाब के घर में नहीं कोई रहता? नहीं रहता। अच्छा, बीच वाला लड़का कभी कभी आया जा करता है। अच्छा अच्छा, बस। हाँ भैया, दो हुआ बजरंगी, तीन है ना? हाँ, तीन है, एक ठौल खोद दो वहाँ पर, एक सिधार से ले चले चले। हाँ, थोड़ा पहले साफ कर लो फल बनते। बस बस बस, यहीं पर एकदम करीब करीब रहेगा तो ये पूरा एकदम पूरा घना हो जाएगा। हाँ, और जितना आसी खांसी आवत है ना, यहाँ गांव जवान के मनाई आई है, इका ढूंढे के बड़े खाली बता दें जाई, परोपकार का काम है और क्या। कुछ न मिले क्या पार्टी से ही चुरे चुरे के पी ले, अमा दमा हंसी खांसी में रामबाण है, ये सब 1000 रुपया किलो बिकता है। तब यही है पूरा जीवन लगाए, तो हमने कहा भैया बाउंड्री है यहाँ तो देख रेख हो जाएगी। क्या नाम बताया भैया इसका? अंजीर। अरे हकीमों के यहाँ पूछे, अंजीर हकीम के यहाँ पूछो, माता बन खुदा पूछे तुम अंजीर गेहूँ लगवाए ना, लेकिन वो भैया इतनी अंजीर बहुत रही। हाँ हाँ, उसके बाद वो सूख गए। नहीं, इसलिए सूख गया ना कि उसको समय से केयर नहीं हो पाया। केयर नहीं हुआ। हाँ, वो अंजीर के पेड़ हमारे ख्याल से हमारे यहाँ